अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मटन मुमताज़ की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया किस्म की ये रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। घर में छोटी मोटी पार्टियों को के जनों आप इसे बनाइएगा ज़रूर और लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। फ्रेंड्स, मेहमानों को खुश कर देने वाली रेसिपी है। हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ मटन चिकन फास्ट फूड के रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल है। फ्रेंड्स, तो हमने इसको यदि बनाया है, जो भी सामान इसमें लगे फ्रेंड्स वो हमारी किचन में अवेलेबल है। तो बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में हमने इसे बनाया और बहुत ही उमदा किस्म की ये रेसिपी है। हमारे रेस्टोरेंट पे इसकी बहुत डिमांड है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरा कुकिंग। चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। बहुत ही बढ़िया से फ्रेंड्स ये मटन हमारा गल गया है, इसको मैं आपको दिखा सकती हूँ। अब बहुत ही टेस्टी और लजीज रेसिपी है, चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हमने 1/2 kg मटन लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो मटन को हमने थोड़ा सा गोश्त वाला लिया था जिसमें थोड़ी बहुत हड्डियाँ भी थी, तो थोड़ा सा फैट वाला आप लीजिएगा, क्योंकि चिकनेदार अगर आप गोश्त लोगे तो उसका बहुत ही बढ़िया ये मटन बन के तैयार हो जाता है। तो 1/2 kg हमने लिया, अच्छे से इसको हमने वॉश कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद हमने इसको ड्रेन कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़े से मसाले, उससे आप देख लीजिए, 2 teaspoon हमने इसमें धनिया पाउडर लिया है और 1 teaspoon हमने इसमें जीरा लिया है, फिर जीरे का पाउडर लिया, 1 teaspoon हमने काली मिर्चों का पाउडर लिया फ्रेंड्स, 1.5 teaspoon इसमें फ्रेंड्स हमने इसमें नमक मिलाया है फ्रेंड्स। इसके बाद 1 cup से थोड़ा कम 3-4 cup हमने इसमें खट्टा दही लिया है फ्रेंड्स। ये डेयरी वाला रायते खट्टा दही है, क्योंकि हम लोग इसमें अभी प्याज भी डालेंगे, तो खट्टा दही डालने से प्याज की मिठास को कम कर देगा और ये बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि डेयरी वाला खट्टा दही ही लीजिएगा फ्रेंड्स। अच्छे से इसको मसालों को डालने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दीजिएगा, कम से कम 1 घंटा ज़रूर रख दीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखते हैं। और इधर हमने 3 medium size की प्याज को हमने इस तरीके से कट कर लिया था फ्रेंड्स, बहुत मोटी मोटी मत कट कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें 3 हरी मिर्च लिया, तो मैं थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च है तो हमने 3 लिया, आप 5 ले लीजिए अगर आपकी तीखी वाली नहीं है। तो इधर हमने पैन को फ्रेंड्स गर्म कर लिया और 3 हरी मिर्च को हमने इसमें डाल दिया। हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया इस रेसिपी में, आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा, रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद हमने 1 तेज़पत्ता डाला है। तेज़पत्ता डालने के बाद फ्रेंड्स हमने प्याज को अच्छे से हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तो 1/2 minute तक थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना है, कलर का हमारे प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। 10 से 12 आप इसमें बादाम डाल लीजिएगा, और अगर बादाम नहीं हो तो आप काजू भी डाल सकते हो। मेरे पास इस वक्त काजू नहीं था तो मैं बादाम का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छे से उसको डाल देना। इसके बाद 1/2 cup हमने इसमें फ्रेंड्स पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से चला दिया है। चलाने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको थोड़ा सा बॉयल करने के लिए रखेंगे फ्रेंड्स। तो हमने इसके लिड को कवर कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर हमने 7 से 8 मिनट इसको बॉयल करने के लिए हम ज़रूर रखेंगे। तो फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट के बाद जब अच्छे से बॉयल हो गया, हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया है फ्रेंड्स। इसके बाद हमने इसके लिड को खोल करके थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको इस कंडीशन पे गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं फ्रेंड्स। इधर हमने गैस का फ्लेम ऑन करके एक कुकर रखा है और एक दाल का बड़ा वाला चम्मच, जो हमने हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं ना, बस वो चम्मच आप देख लीजिए, चम्मच का साइज आप देख लीजिए। रिफाइंड ऑयल हम ले रहे हैं, यहाँ मस्टर्ड ऑयल का हम यूज़ नहीं करना। थोड़े से मसाले फ्रेंड्स देख लीजिए, 1/2 teaspoon जीरा, 1/2 teaspoon इसमें हमने काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी हमने दालचीनी लिया है, 1 हमने तेज़पत्ता लिया, 2 हमने छोटी इलायची लिया है फ्रेंड्स, और जावित्री को हमने हाथों से थोड़ा मैश कर दिया। इसके बाद हम जो हमने मटन मैरिनेट किया था फ्रेंड्स, सारे मटन को हम इसमें डाल देंगे और जो मसाले इसमें लगे हुए हैं सारे मसाले को इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा हम भूनेंगे। पैन में बिल्कुल ही मटन का मसाला नहीं लगाना चाहिए, सारे मसालों को आप डाल दीजिएगा, ये मसाला बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। 1.5 tablespoon इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे फ्रेंड्स, और हाई फ्लेम पे मटन को बहुत ही बढ़िया से हम भूनेंगे। 4 से 5 मिनट आप इसे ज़रूर भून लीजिएगा। मटन को भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हमें तब तक इसमें अच्छे से मटन को भूनना है जब तक कि इसमें तेल सेपरेट ना हो जाए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम 6 से 7 मिनट इसे ज़रूर इसको भूनेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें मटन ने ऑयल को छोड़ दिया है फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा सा इसको अच्छे से चला लीजिएगा, और पूरा जो प्रोसेस हमने हाई फ्लेम पे किया है फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो 1 cup से थोड़ा कम हमने 1 cup का 3 parts हमने डाला है फ्रेंड्स पानी। पानी ज़्यादा हमको नहीं डालना है। और फ्रेंड्स इसके बाद क्योंकि हमारा जो मटन है वो भी पानी थोड़ा सा छोड़ेगा फ्रेंड्स, तो हमने इसको लिड को कवर कर दिया है और तकरीबन 20 मिनट पर हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। अब ये मटन पर डिपेंड करता है कि मटन आप पर कितनी देर में गलता है। इधर फ्रेंड्स हमने जो प्याज हमारी ठंडी हो चुकी है और हमने बादाम को इस तरीके से निकाल लिया है, और जब उबलने के बाद ये जो बादाम के छिलके आसानी से निकल जाते हैं, तो सारे छिलकों को हम इस तरीके से फ्रेंड्स अभी निकाल ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये छिलके निकल जाएंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इन सारे मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। पहले हमने बादाम को डाल दिया, इसके बाद जो तेजपत्ता था फ्रेंड्स इसे हमने निकाल दिया, और इसके बाद हमने इसमें प्याज को डाल करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए जो प्याज का पानी था उसे भी हम डाल देंगे, इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से सारे मसालों को हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने डेसिकेटेड नारियल डाला है, अगर नारियल डेसिकेटेड नहीं तो थोड़ा सा काट के आप नारियल का डाल दीजिएगा, ये नारियल का बुरादा है। थोड़ा सा पानी डाल करके फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर ले रहे हैं, और इसका फाइन पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद हम अच्छे से इसको ग्राइंड करने के बाद आपको दिखा रहे हैं। अब इसको हम किनारे रखते हैं फ्रेंड्स ढक करके। इधर हमारा फ्रेंड्स गोश्त भी अच्छे से गल गया है, तकरीबन 15 मिनट के बाद आप इसे खोल के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम मटन गलने में 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, तो हमारा 20 मिनट हो गया। थोड़ी सी कसक इसमें छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी हमें इसका और भी पकाना है फ्रेंड्स। तो इधर हम मेरा कुकर थोड़ा बड़ा था, दिखा नहीं पाए थे वीडियो को शूट करते समय, तो इसे हम पैन में फ्रेंड्स इसको हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। आप लोग ना करना, कुकर में ही अच्छे से बना लेना फ्रेंड्स। तो हमको थोड़ा वीडियो शूट करना है, थंबनेल वगैरह भी बनाना रहता है। तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से इसको हाई फ्लेम पर मटन को हमने ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद जो हमने प्याज को बादाम को हमने पीसा था ना, उस सारे मसालों को इसमें हम डाल दे रहे हैं। और जब डालते वक्त थोड़ा सा फ्लेम को आप लो कर दीजिएगा, जब भी वाइट चीज़ डालिएगा तो आप थोड़ा सा फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हाई फ्लेम पर आप अच्छे से इसको भून लीजिएगा। बर्तन में जो थोड़ा सा पानी डाल करके हमने इसे खंगाल दिया है फ्रेंड्स, अच्छे से हाई फ्लेम पर हम थोड़ा सा इसको पकाते हैं। थोड़ा सा हम इससे पानी भी डाल देते हैं ताकि फ्रेंड्स से बस 2-4 चम्मच आप टेबल स्पून के करीब ही डालिएगा, और ताकि थोड़ा सा जो हमने मटन है और जो मसाले हैं सब एक जान हो जाए, क्योंकि सब चीज़ें आप पकी हुई है, हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पकाना पड़ेगा। 5 से 7 मिनट इससे आप थोड़ा सा ज़रूर ढक करके पका लीजिएगा ताकि थोड़ा सा सब एक जान हो जाए फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर हम इसको बहुत ही बढ़िया से भून लेते हैं। तो थोड़ी सी मटर की कसक आप रहने दीजिएगा जो इस टाइम इसमें कवर हो जाए, तो 90% तक आप मटन गलाने के बाद ही ये प्रोसेस कीजिएगा फ्रेंड्स। तो 1 टेबल स्पून इसमें हमने कसूरी मेथी हम डाल रहे हैं, कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, इसे डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, आप लोग ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया इसमें आएगा। तो 3 से 4 हमने 20 स्प्रेड की हुई हरी मिर्चों को डाल दिया है, तो शुरू से हमने हरी मिर्च कम लेके चले थे, 3 से 4 इस टाइम ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इसमें सेवन नहीं किया, तो वाइट ग्रेवी बनके तैयार होगी और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद तेल आराम से सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद लो फ्लेम करके आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे सर्व करके आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि मटन कितना बढ़िया से गल गया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया डिलीशियस मटन हमारे तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा हमने नींबू इसमें डाला है, तो अच्छे से नींबू नहीं हो पाया, तो मैं हाथ से इसे कर रही हूँ क्योंकि नींबू में इसमें रस कम था। तो आप लोग नींबू ऊपर से ज़रूर डाल दीजिए, कोई खट्टा वट्टा नहीं होगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स रात के डिनर के लिए हमने ये रेसिपी बनाई थी, तो हम लोगों ने खा भी लिया और वीडियो भी शूट हो गई। तो प्याज और नींबू उसे एक एक कतरन से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी लगी, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया से ये गल गया है फ्रेंड्स, और बहुत ही उम्दा किस्म की ये रेसिपी थी। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बिस्मिल्लाह करके मैं शुरू हो रही हूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी थी। हमारे चैनल पर प्लीज़ आप विज़िट ज़रूर करें, यहाँ आपको इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, वेज रेसिपीज़, नॉन वेज रेसिपीज़, फास्ट फूड, हर तरह तरीके की डिज़र्ट की रेसिपी हमारे चैनल पर आपको आसानी से अवेलेबल होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, और आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं बढ़िया बढ़िया से वीडियोज़ बना सकूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकूँ। बहुत जल्दी किसी नई रेसिपी से मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।